6 तारीख को जम्मू बंद की कॉल दी गई है कुछ लोगों द्वारा, जिनमें चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन है, साथ में ट्रांसपोर्टर्स हैं। कारण ये है, जिस तरह से हमने कल भी बात की, ट्रांसपोर्टर्स के चेयरमैन जो कि त्रिलोचन सिंह वजीर साहब हैं, उन्होंने भी अपनी डिमांड्स बताई कि किन डिमांड्स को लेकर वो जम्मू बंद की कॉल दे रहे हैं। इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के कुछ चेयरमैन नीरज आनंद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर ये नौबत आ गई कि जम्मू बंद की कॉल देनी पड़ी, क्योंकि 6 तारीख को दरबार भी ओपन हो रहे हैं। पूरी जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कैपिटल वो भी जम्मू शिफ्ट हो जाएगी, और उस दिन खुद महबूबा मुफ्ती भी जो है सलामी लेंगी सेक्रेटरी के अंदर, और काफी सारा जो है सरकारी कामकाज शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू बंद की कॉल भी दी गई है। तो नीरज आनंद जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। नीरज जी, जम्मू बंद की जो आपने कॉल दी है, क्या ऐसे जो है नौबत आन पड़ी कि जम्मू बंद की कॉल देनी पड़ी? आशीष जी, इसमें मैं सबसे पहले तो ये आपको कहना चाहूँगा कि चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन ने कभी भी बंद का समर्थन नहीं किया, और हमारी ये एक हिस्ट्री रही है, जब भी जम्मू में सेक्रेटेरिएट खुलता था वी ऑलवेज यूज टू वेलकम। हम वहाँ पे बैनर लगा के सरकार का वेलकम करते थे, और बड़ी बार हुआ है कि जो उस वक्त के मौजूदा चीफ मिनिस्टर होते थे, हम उनको फूलों का बुके दे के स्वागत करते थे। लेकिन मुझे बड़े दुखी हृदय से ये कहना पड़ रहा है, ये पहली बार हुआ, चूंकि जब आपने देखा होगा जीएसटी रोल आउट होना था तो तरह तरह की वॉइसेस कश्मीर से आ रही थी कि नहीं जी, जीएसटी ऐसे नहीं लगेगा, वैसे लगेगा, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि जम्मू ने हमेशा एक नेशनलिस्टिक रोल लिया है, हम लोगों ने हमेशा एक अपना नेशनलिस्टिक किरदार निभाया है, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन ने सबसे आगे आके उस वक्त भी ये कहा था कि भाई वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पे जो पूरे देश में जीएसटी लागू हो रहा है, हालांकि उसमें बहुत कमियां थी, हमने फिर भी सपोर्ट किया ताकि जीएसटी से हम लोग एक यूनिफिकेशन की बात थी, हम भारत के साथ उसका अभिन्न अंग हैं और उसके साथ रहना चाहते थे। लेकिन होता क्या है, हमारे जो यहाँ के भी रिप्रेजेंटेटिव मैं कहूँगा और भी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने हमारी सपोर्ट भी मांगी, और चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन सबसे पहले आगे आया और उन्होंने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा रोल बनता था वो हमने अदा किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जब वो रोल आउट हुआ तो हमें ये पता चला कि जीएसटी तो लग गया लेकिन उसमें टोल टैक्स ऑन गुड्स जो है वो अबॉलिश नहीं किया गया। तो जो एक बेसिक स्पिरिट थी वन नेशन वन टैक्स की, जिसको लेके हम बड़े उम्मीद याफ्ता थे कि भाई अब जो जीएसटी रजीम में चीज़ें होंगी वो यूनिफॉर्म रेट्स पे बिकेंगी, हमारा जो बिजनेस बाहर से करप्ट मीन से जो लखनपुर में होता था वो रुक जाएगा, इसीलिए हमने जीएसटी में सपोर्ट किया था। लेकिन जब वो चीजें नहीं रुकी तो हमने सरकार को, जो हमारे एक कह सकते हैं आप डेमोक्रेटिक मींस होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस देना, मिलना, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, डिप्टी सीएम साहब से भी हम बहुत बार मिले, और राजनाथ सिंह जी जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, जब वो भी जम्मू आए हम इवन उनसे भी मिले, और हमें बड़ी उम्मीद बनी कि राजनाथ जी ने उस वक्त डिप्टी सीएम के साहब के साथ क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक तो कह रहे हैं, जब वन नेशन वन टैक्स में एक लॉ पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है तो ये टोल टैक्स ऑन गुड्स कहाँ से आ गया, जिससे हमारे जो आम कंज्यूमर हैं उनको चीजें महंगी मिल रही हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद जगी, तो डिप्टी सीएम साहब ने भी उसके बाद हमसे मीटिंग भी करी, हमसे दोबारा से मेमोरेंडम लिया जो कि हमने उनको पहले भी दे रखा, लेकिन हमने दोबारा भी सबमिट किया, लेकिन वो सिर्फ कोरे आश्वासन साबित हुए। और अब जब ये सरकार, ऐसा नहीं है कि अगर हमने कॉल दी है तो कॉल का मतलब क्या होता है, हमने अभी 2 तारीख को कॉल दी है इसीलिए दी है कि हमारी ग्रीवियंसेस सुनी नहीं जा रही हैं, तो हम आपके माध्यम से आज भी ये बात कहना चाहते हैं, हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हमने कोई पॉलिटिक्स स्कोर नहीं करनी इसमें, लेकिन एक आम आदमी जिसमें मैं भी एक कंज्यूमर हूं, मैं उस जीएसटी रिजीम में बेनिफिट नहीं पा पा रहा हूं, तो इसी तरह मैं अपने आम कंज्यूमर को भी बेनिफिट नहीं दे पा रहा हूं, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं आम लोगों से, क्योंकि ये जो बंद का आह्वान चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन ने किया है ये किसी पॉलिटिकल मकसद से नहीं है, ये केवल और केवल, मैं तो आज ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर सरकार हमें आज बुलाती है, कहती है कि बैठिए हम कल बंद की कॉल विड्रॉ कर लेंगे, हमें इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज स्कोर नहीं करनी है, लेकिन हाँ चूंकि चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन का ये अहद रहा है अच्छे दाम पे अच्छी गुणवत्ता की चीजें हम अपने कंज्यूमरों को पहुंचाएं, और इसी की कड़ी में, क्योंकि
क्योंकि जितने हमारे पास तरीकाकार थे वो सब हमने एस्टेब्लिश किए, और जब हमें लगा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी बातों को, हमारी डिमांड्स को, चाहे वो एक इतनी इंपॉर्टेंट डिमांड और थी जो हमारे आम लोग थे उनके साथ जुड़ी हुई थी, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की, तो हमें लगा ये सरकार जो एक बड़े कॉमन इश्यूज हैं उनके ऊपर भी लोगों की बात नहीं सुन रही। तो उसकी वजह से जब हम सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, हम सबके पास गए, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें टोल टैक्स लग रहा है, हम आपका साथ देंगे। उन्हीं का साथ जब हमें लगा कि भाई अब ये सरकार को और कोई तरीका हमें नजर नहीं आया, तो डेमोक्रेटिक वेज मीन्स पे हम क्या कर सकते थे, पहले हमने रिप्रेजेंटेशन दी, मीटिंग्स की, जब हल नहीं निकला तो फिर हमने बड़े दुखी हृदय से ये कॉल दी है 6 नवंबर की। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में ऐसे हैं जो हमारी चीफ मिनिस्टर को प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द आने वाले दिनों में हमारी बात को सुनेंगी, और हमें उम्मीद भी है वो इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लेंगी, क्योंकि वो बातों को बड़ा सीरियसली फॉलो करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे अफसर, मैं आपको आज एक बड़ी बात शेयर करूंगा आपसे, गवर्नमेंट की तरफ से मीटिंग बुलाई जाती है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे बैठते हैं, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कमिश्नर सेक्रेटरी है हमारे डिपार्टमेंट का, वहां मीटिंग में सबके सामने ये बोलते हैं कि जी नीरज जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप कहते हैं जी लोगों को रिटर्न भरने में दिक्कत आती है, आजकल मोबाइल का जमाना है तो आप स्मार्टफोन सबके पास है, आप स्मार्टफोन से रिटर्न भरवाइए। अंदाजा देखिए कोहली साहब कि बेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, चाहे वो टेली का है, बीजी का है, इतने महंगे सॉफ्टवेयर यूज करके हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट है पांच पांच छह छह घंटे लगा के एक रिटर्न को फाइल नहीं कर पाते, पूरे हिंदुस्तान में इश्यूज बन रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इतने सीनियर बैठे हुए, वो हमें ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं मीटिंग में बुला के कि जी आप स्मार्टफोन से रिटर्न भरवा लीजिए, तो ऐसे में हम किसके आगे जाएं। तो ये हालत है। तो वैसे ही लोग मुझे को लगता है कि जो हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर है उनको भी गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक स्टेलमेट बना हुआ है, और हमें पूरी उम्मीद है जब भी हमारी उनसे मुलाकात होगी तो ये चीजें बड़ी जल्द सेटल हो जाएंगी। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये, 6 तारीख को दरबार भी खुलेंगे और उस दिन आपका जम्मू बंद की कॉल है। अगर सरकार आपके साथ नहीं कोई नेगोशिएशन करती इस मुद्दे पे, तो आप जम्मू बंद अपना जो है बरकरार रखेंगे, बिल्कुल। तो जम्मू बंद की वजह से लोगों को जो परेशानी आएगी उसके लिए क्या कहना है आपका? और दूसरी चीज, क्या ये प्रदर्शन आपका शांतिपूर्ण रहेगा या फिर आप सड़कों पर निकलेंगे प्रदर्शन देखिए, पहली किस तरह? बात तो हमने, अगर आपने हमारी कॉल कल ही देखी होगी, हमने बिल्कुल लोगों से पुरजोर अपील की है कि पूर्णतया शांति बंद रख बनाए रखें, शांतिपूर्ण बंद रखेंगे, और हम बकायदा उन लोगों में नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा चीजों को सिंसियरिटी से फॉलो किया है, और हमने हमेशा सरकार का अच्छे, जहां भी सरकार के कदम रहे हमने अप्रिशिएट किया है। और अभी भी मैंने आपको जैसे कहा, हम आपके माध्यम से अपील भी करेंगे, और लोगों को जो उस दिन इनकन्वीनियंस होगी हम उसके लिए माफी भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, हमारे कई बाजार, मेरे को कई बाजार के हेड्स ने कहा कि देखिए नीरज जी, आगे ही बाजार बड़ा मंदे में है, आप अगर सोच लो इसके ऊपर, बंद के अलावा। मैंने उनको कहा हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिए, प्रदर्शन भी किए, हमने ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से भी हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी कैट के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, भरतिया जी हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है कैट के, वो नागपुर से आए, हमने सारी वो चीजें करके जब देख लिया अब सरकार सुन ही नहीं रही, तो फिर मैं इसीलिए आपके माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि हमने वो सारे वेज एंड मीन्स पहले एक्सप्लोर किए हैं, उसके बाद हम बंद के ऊपर आए। तो लिहाजा मैं ये लोगों को अपील करना चाहूंगा कि ये बंद ट्रेडर कर जरूर रहा है, सिविल सोसाइटी भी अब समझी है, लेकिन ये ट्रेडर, ये बंद आम लोगों के लिए है, जो ये टोल टैक्स ऑन गुड्स है वो आम लोगों के ऊपर लग रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रेस में आया कि डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की, सीमेंट जो पंजाब से इलीगल स्मगल होके दुकानों पे आ रहा है, देखिए करप्शन कैसे बनती है। टोल का मुद्दा इतना बड़ा है, मैं सिर्फ सीमेंट की बात करता हूं, अभी जैसे मैंने कहा आपको एक रेफरेंस दिया, 52 रुपए गुत्थी सिर्फ टोल की वजह से महंगी हो जा रही है, तो क्यों नहीं पंजाब का जो ट्रेडर है वो हमारे अफसर को वहां पे ब्राइब करेगा? जब आप अगर उसको खत्म कर देते हैं तो प्ले फील्ड कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो हम भी एज ए जेन्युइन ट्रेडर, या मेरा कोई भी ट्रेडर, चाहे वो इलेक्ट्रिक आइटम्स का है, हार्डवेयर का है, सीमेंट का है, देसी घी का है, सरसों तेल का है, जो भी चीज है, देखिए सरकार ने अगर ऐसा करना होता ना, सरकार में वहां उस दिन बैठे हुए थे ब्यूरोक्रेट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे, वो कहते जी मैं कल टोल टैक्स हटा देता हूँ। बोले इतनी ऐसे लेयर बातें हो रही हैं कि आप इकोनॉमी इतनी बड़ी चला रहे हैं देश की, और अपने जो हमारे प्रदेश की जो सरकार है,
ऐसे में बड़े सीरियस लेवल पे बातें होनी चाहिए, और हम सरकार को आज भी आश्वासन देना चाहते हैं। चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन ने हमेशा प्रैक्टिकल बात की है, हमने कभी भी हवा में बातें नहीं की हैं, और हम चाहते हैं कि जीएसटी में सरकार तभी बेनिफिशियल होगी एज ए कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमिंग स्टेट, जब वो ट्रेडर से मैक्सिमम रिटर्न भरवाएगी। एसजीएसटी का पार्ट कोहली साहब ऐसा है, स्टेट्स को हिस्सा कब मिलना है, आपने देखा होगा, आप कोई भी एसजीएसटी की इनवाइस लेते हैं उसमें एक पार्ट सीजीएसटी का रहता है, एक एसजीएसटी का रहता है। हमें जब बिल होगा, हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं, हम सारा माल प्रदेश के बाकी हिस्सों से खरीद के लाते हैं, तो जो मेजर जीएसटी कंपोनेंट है वो तो वहीं पे कट जाता है फैक्ट्री में। हमारी सरकार को वो कब मिलेगा, जब मैं यहां पे बिल काटूंगा, मेरा ट्रेडर यहां पे बिल काटेगा, फिर सरकार को उसका हिस्सा मिलेगा जो उसका एसजीएसटी है। अगर 28% का आइटम है तो 14% सरकार को मिलना है, अगर 18 है तो 9% मिलना है। तो इसलिए मैं कहता हूं सरकार इस बात का संज्ञान ले, अगर वो ट्रेडर्स को इस बात के ऊपर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है तो सरकार, मैं समझता हूं, हमारी पार्टनर है, सरकार को इससे फायदा होगा, सरकार कहीं नुकसान में रहने वाली नहीं है। तो मैं ये आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं उनको ये अपील करना चाहता हूं कि आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। जो बदलता हिंदुस्तान है, आज का जो ये युग है, जो ये एसजीएसटी सीजीएसटी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारे से उधर आसान करने के लिए हमारी मदद कीजिए, ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छा बढ़ा सकें। आज बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाने की बजाय हमारा बिजनेस कम हो रहा है, जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो परेशान है। वो आगे मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे से जो हमारे ट्रेड एसोसिएशन के हेड हैं वो मेरे को कह रहे नीरज जी, आगे ही हम इतने डिप्रेस हैं कि आप और बंद की बात कर रहे हो। लेकिन मैंने उनसे अपील की है, बैठ के हमने उनसे कहा है कि हम बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि सरकार इस बात का संज्ञान ले, क्योंकि जितना वो ट्रेड का साथ देगी, हम सरकार से कोई एग्जम्पशन नहीं मांगते, लेकिन सरकार को एसजीएसटी में और इस जीएसटी रिजीम में सबसे फायदा तभी होगा, उसको एसजीएसटी का पार्ट तभी मिलेगा जब लोकल ट्रेडर उसका बिल काटेगा। अगर वो इसी तरह लखनपुर में बिना टैक्स के माल आता रहा तो हमारी सरकार का दोनों तरफ नुकसान है, ना तो उसको हमारी तरफ से एसजीएसटी मिलेगा, क्योंकि तो हम वो माल जो बिना उसके आ गया उसका तो ना आप कोई बिलिंग होगी। तो इसके लिए मैं आज पुनः आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि आप व्यापारियों को ऑन बोर्ड लें, बात को सुने। हम कोई उन व्यापारियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं करते जो टैक्स की चोरी करते हैं, और इसमें मेरी पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग के भी बड़े सीनियर अफसर से बात हो रही थी। मैंने उनको कहा कि इस बात से आपका भी नुकसान होगा, अगर जेन्युइन व्यापार कम होता है तो उसमें इनकम टैक्स भी उनको कम आएगा। नीरज जी, क्या इस बंद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी आपके साथ है? और दूसरा पहले ये बता दीजिए कि क्या देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं, हमारे भी जो मेंबर हैं 2005 से पहले सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ही मेंबर थे, ठीक है। और इसमें अगर आपने कल देखा होगा, कल हमने उनको भी अपील की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी अपील की है कि वो हमारे साथ इस मुहिम में खड़े हों, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे जब चैम्बर ने भी कॉल दी थी और उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है कि हम टोल टैक्स ऑन गुड्स जो है उसकी एग्जम्पशन की बात करते हैं। तो लिहाजा हमने उनको अपील की है, अब वो किस तरह से इसको आगे आते हैं वो तो उनका संज्ञान है, वो इस बात को हमारी अपील को या और भी लोगों ने अपील की है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आगे बढ़े, और हमें पूर्णतः उनसे भी उम्मीद है, क्योंकि चैम्बर ने भी हमेशा जम्मू में कोई भी एक्टिविटी रही है उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया है। सर, अगर सरकार इसके ऊपर आपके आपके साथ कोई बात नहीं करती, कोई नेगोशिएशन नहीं होती जम्मू बंद पे, तो मंडे की जम्मू बंद की कॉल के बाद आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, पहली बात तो हम पूरे आश्वस्त हैं कि उससे पहले ही हमें सरकार से कोई ना कोई बात आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर मान लो सरकार नहीं बात करती है तो सरकार को 6 तारीख का बंद देख के उनको मजबूर हो जाना पड़ेगा कि वो आगे इसके ऊपर आगे हमें फर्दर जाने को मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन ये तो एक फिलहाल एक टोकन स्ट्राइक है, उसके बाद में अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर डेफिनेटली हम उसके ऊपर आगे की हमारी क्या रणनीति होगी वो सारे हम अपने साथियों से बैठ के और भी जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं सबसे बात चर्चा करके फिर हम उसकी आगे की रूपरेखा तय करेंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नीरज आनंद जी थे हमारे साथ, उन्होंने ये साफ कर दिया कि 6 तारीख के लिए उन्होंने जम्मू बंद की कॉल दी है। अगर सरकार उनसे पहले नेगोशिएशन करती है इस मुद्दे पे तो वो जरूर अपनी कॉल वापस ले सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनके साथ कोई बातचीत नहीं की है। इनका मेन और बेसिक मुद्दा यही है, जो गुड्स का, जो इन्होंने टोल टैक्स की बात की है उसको हटाने की बात की जा रही है। तो
फिलहाल देखते हैं आप सरकार इनसे बात करती है या 6 तारीख को दरबार ओपन के साथ, दरबार की जो है वेलकम जम्मू बंद के साथ होता है। आशीष कोहली कैमरामैन संदीप सिंह के साथ, यू फॉर यू वॉइस के लिए।